तो भगवत गीता अध्याय एक का हम 44 श्लोक से पढ़ेंगे आज. एक्चुअली 44, 45, 46 है, तो आज हम तीनों श्लोक कंप्लीट करेंगे. अहो बता महत् पापम्. अहो बाता महत् पापम्. अहो बाता महत् पापम्. कर्तुम् व्यवसिता वयम्. कर्तुम् व्यवसिता वयम्. कर्तुम् व्यवसिता वयम्. कर्तुम् व्यवसिता वयम्. यद्राज्यसु खलोभेन. यद्राज्यसु खलोभेन. यद्राज्यसु खलोभेन. यद्राज्यसु खलोभेन. हन्तुं स्वजनम् उद्यतः. हन्तुं स्वजनम् उद्यतः. हन्तुं स्वजानमुद्यतः. हन्तुं स्वजानमुद्यतः. अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा. शिल प्रभुपाद की जय. अर्जुन कहते हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हो रहे हैं. कौन सा जघन्य पाप करने के लिए? युद्ध, एक दूसरे को मारना, रक्त बहाना. राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हुए हैं, अर्जुन बोल रहे हैं. थैंक यू. तो इसमें अर्जुन इसको जघन्य कर्म कर रहे हैं, जबकि इस जघन्य कर्म के लिए दुर्योधन बहुत उतावला हो रहा था, है ना. आप सबको ये कथा मालूम होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने जब कंस को मार दिया था, तो कंस के जो ससुर है जरासंध, तो उन्होंने मथुरा पर 17 बार अटैक किया, लेकिन उसने इसको जघन्य कार्य नहीं सोचा. उन्होंने सोचा मैं बदला लूँगा, मेरे दोनों बेटी को विधवा किया कृष्ण ने. तो कृष्ण ने उपाय सोचा कि क्यों ना हम मथुरा ही छोड़ दें और ऐसे जगह जाए जहाँ तक वो आ ना सके. समुद्र के बीचों बीच द्वारका नगरी, समुद्र क्रॉस कैसे करेंगे? पहले शिप जैसा तो कोई कंसेप्ट ऐसा नहीं था, और पुष्पक विमान भी था तो एक ही था, वो रावण के साथ था, है ना. मतलब रामायण के समय में भी ऐसा नहीं था कि समुद्र को हम ऐसे शिप से क्रॉस करें, तो नहीं आ पाते. तो इससे कृष्ण को बोला भी कि आपको तो अगर युद्ध छोड़कर जाओगे तो आपको रणछोड़ बोलेंगे. तो भगवान कोई परवाह नहीं करते, भगवान को आप किसी भी नाम से बुलाओ तो भगवान की भक्ति में वो आगे बढ़ेगा, भले वो प्रतिकूल हो या अनुकूल हो. जैसे असुर लोग प्रतिकूल भाव से भगवान को बुलाते हैं ना, जैसे कंस है और जितने भी असुर है, लेकिन भगवान ने उनको मारा, लेकिन मार के भी उनकी मुक्ति हुई. यानी भगवान के हाथों मारे जाना भी मुक्ति प्राप्त करता है. लेकिन जो अच्छे आत्मा होते हैं, पुण्यात्मा होते हैं, वो ऐसा काम क्यों करेंगे जिससे कृष्ण की क्रोध हम जागृत करें और वो हम उनके द्वारा मारे जाएं. भक्त हमेशा कृष्ण द्वारा प्रेम किए जाना एक्सपेक्ट करते हैं, मारे जाना नहीं. आ जाओ. प्रेम किए जाना एक्सपेक्ट करते हैं, राइट, कि भगवान के साथ हमारा प्रेम का आदान प्रदान हो. भगवान अपने बैचो तो इसलिए भक्त रसामृत सिंधु में बताया गया है, अनुकूलेन संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम. जो अनुकूल है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए, जो कृष्ण को अच्छा लगता है, कृष्ण को खुश करते हैं, और जो कृष्ण को खुश नहीं करते उसको हम वर्जनम करना चाहिए, त्याग देना चाहिए. तो प्रतिकूल यानी भगवान का नाम अगर कोई ईर्ष्या या द्वेष से भी स्मरण कर रहा है, वो भी भक्ति में माना जाएगा, पर प्रतिकूल भक्ति. प्रतिकूल भक्ति से कोई वैकुंठ जगत में नहीं जा सकता है, अनुकूल भक्ति से जा सकता है. हाँ, लेकिन प्रतिकूल भक्ति भी उसने इस हद तक किया जिस हद तक कंस ने दिन रात कृष्ण का नाम स्मरण किया, मरते समय भी कृष्ण का ही ध्यान था, तो उसका मुक्ति जरूर होगा, वो ज्योति में प्रवेश करेगा, लेकिन भगवान के धाम नहीं जा सकता है. ये डिफरेंस है.
तो इसमें तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जनरली लोग स्वार्थ के कारण अपने सगे भाई को मार देते हैं, वो माता पिता को भी मार सकते हैं प्रॉपर्टी के लिए। ऐसे बहुत स्टोरीज या स्टोरी क्या सच घटना आपको सुनने में मिलेगा कलयुग में, है ना। तो इसीलिए पाप कर्म में प्रवृत्त हो सकता है। आप देखो धन कमाने के लिए लोग आजकल कितना तरीका अपनाते हैं, शॉर्टकट, लूट लिया, सोने का चेन खींच लिया या ब्राइब ले लिया या कुछ ऐसा पाप कर्म में प्रवृत्त हुए, जैसे कि नशा बेचना, स्मगलिंग करना, ये सब। तो ये कोई उनके लिए बड़ी बात नहीं है, है ना। तो इस तरह से अर्जुन बोल रहे हैं, अरे मैं राज्य सुख के स्वार्थ से प्रेरित होकर युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि हमें राज्य चाहिए और इसलिए तो हम युद्ध कर रहे हैं। सीधा सीधा तो यही हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं राज्य के सुख मुझे नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इतने लोग मारे जाएंगे, मैं उनकी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। तो अभी पूरे भगवद गीता में कृष्ण समझाएंगे कि तुम्हारे खुद के स्वार्थ के लिए युद्ध नहीं हो रहा है, ये पूरे मानव जाति के कल्याण के लिए हो रहा है, क्योंकि जो अधार्मिक है वो मान ही नहीं रहे हैं। राजपाट होना चाहिए एक धार्मिक व्यक्ति के हाथ में, ताकि वो शास्त्रों के हिसाब से लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। शोषण करने वाले अगर नेता बन जाते हैं तो प्रजा का क्या हाल होगा, और प्रजा आखिर किसका प्रजा है, एक्चुअली तो भगवान का ही प्रजा है ना, भगवान ही अल्टीमेट राजा है, तो अल्टीमेट राजा को तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं कि स्वार्थ के वशीभूत होकर ऐसे में पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं हो सकता। तो अर्जुन में ये क्वालिटीज इसलिए है क्योंकि वो भक्त है, और भक्त तुरंत वैरागी हो सकता है। भक्त तुरंत जो है हमेशा दया का भाव प्रदर्शित कर सकता है। तो इस तरह से ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं विश्व में कि राजा बनने के लिए किसी ने किसी को मार दिया। आप लोगों ने वो सुना होगा कि बाली जो सुग्रीव का भाई, तो एक बार एक असुर ने उसको चैलेंज किया था, तो असुर को मारने गए और असुर गुफा में घुस गए। तो बाली ने बोला कि तुम बाहर ही वेट करो, सुग्रीव छोटा भाई था, बोला बाहर ही वेट करो क्योंकि मैं ही मार दूंगा इसको। तो बहुत युद्ध हुआ, आवाज़ आ रही है चिल्लाने की बाली की, असुर की बहुत आवाज़ आया। फिर उसके बाद ना बहुत दिन बाद खून की नदियाँ जैसे बहके आई है अंदर से, और वो भाई को बुला रहे पर बाली का कोई रिप्लाई भी नहीं आया था। तो उन्होंने सोचा शायद भाई मर गया बाली, और शायद हाँ वो असुर बाहर आ जाएगा फिर हमें फिर तंग करेगा। तो उन्होंने बड़ा सा पत्थर लेके गुफा को बंद कर दिया, लेकिन मरा कौन था, हाँ राक्षस मरा था, बाली नहीं मरा था। तो बाली को ये लगा अच्छा मतलब मेरे मरने से इसको राज्य मिलेगा, मतलब मुझे बंदी बना के वो राज्य भोगना चाहता है। एकदम से शक आया ना, सगा भाई था ना, लेकिन सुग्रीव का इंटेंशन था क्या, लेकिन इंटेंशन ऐसा है किसने सोच लिया, बाली ने। तो इसका मतलब है कि ये आना बहुत आम बात है। वो तो कलयुग था भी नहीं, कौन सा युग था जब बाली और सुग्रीव थे, राम जी थे, त्रेता युग था, द्वापर युग से भी पहले। तो आप सोचो जब त्रेता युग में लोग ऐसे शक कर सकते हैं, यानी उस समय भी ऐसा होता होगा, राज्य के लिए मार देते होंगे, है ना। तो इस तरह से हुआ। इवन कहा जाता है कि रावण ने भी ऐसे कई सारी चीज़ें छीनी हैं कुबेर से, जैसे पुष्पक विमान भी छीन लिया। तो इस तरह से तो ये स्वार्थ के वशीभूत होकर पावर पोजिशन के, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, इसलिए यह ऐसे कार्य से बचने का वो प्रयत्न करता है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मुझे राज्य नहीं चाहिए। आइए अब देखते 45 श्लोक में क्या कहते हैं। यदि मामा प्रतिकारम् यदि मामा प्रतिकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्ता राष्ट्रारणे हन्यो
राष्ट्रारणे हन्यु धार्तराष्ट्रहारणे हन्यु तन्मे क्षेमातरं भवेत् तन्मे क्षेमातरं भवेत् तन्मे क्षेमातरं भवेत् तन्मे क्षेमातरं भवेत्। तो इसमें अर्जुन बता रहे हैं कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र लोग जो है, जो दुर्योधन लोग है, वो लोग मुझे निहट्ठा, मैं कुछ भी अस्त्र शस्त्र नहीं लूँगा, और मुझे मार दे, मुझे मंजूर है। मतलब कितना ज़्यादा कंपेशन उनके हृदय में जागृत हुआ कि हमारे कारण इतने लोग मारे जाएंगे, इससे अच्छा ये लोग मुझे निहट्ठा मार दे, मैं मरना पसंद करूँगा पर युद्ध करना नहीं पसंद करूँगा, क्योंकि इससे बहुत लोग मारे जाएंगे। ऐसा तो बोलते हैं कि रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। क्षत्रिय तात्पर्य, तो क्षत्रिय धर्म में ऐसा है कि किसी के हाथ में अगर निहट्ठा है, कुछ भी नहीं है, तो उसमें आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए ऐसा। लेकिन अर्जुन बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं अगर वो क्षत्रिय नियम का पालन ना भी करे, क्योंकि देखो ऐसे लोगों से जो अधार्मिक है, ऐसे लोग जो अधार्मिक है उनसे हम धार्मिक चीज़ों की अपेक्षा थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। तो कई बार लोग बोलते हैं अरे कृष्ण ने कूटनीति किया। आप मुझे बताओ, आपके घर में कोई एक लड़की आएगी असहाय अवस्था में जिसके पीछे गुंडे पड़े हैं उसका मर्डर करने के लिए, तो आप झूठ बोलोगे सच बोलोगे? तो वो झूठ बोलना अधर्म हुआ धर्म हुआ? धर्म हुआ। धर्म की रक्षा के लिए झूठ बोलना धर्म हुआ ना, क्योंकि नहीं तो उसको मार देंगे, आपकी सच्चाई से एक की जान चली जाएगी जो असहाय है, निर्दोष है, राइट। तो इस तरह से एक ब्राह्मण की कथा आती है, वो बहुत सत्यवादी था, ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचर्य मेंटेन करता था, कभी असत्य नहीं बोलता था, सिर्फ युधिष्ठिर नहीं असत्य बोलते। तो फिर एक दिन क्या हो गया, एक कसाई आया था और उस ब्राह्मण के सामने से एक गाय भाग रही थी, मतलब कसाई के आगे के कसाई उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो ब्राह्मण एक हाथ से माला जप कर रहा था, तो इतने में ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से गाय क्रॉस किया, तो कसाई आके पूछा, है ब्राह्मण देखता एक गाय यहाँ से आई थी कि सही गई है? तो उन्होंने दिखा दिया इस लेफ्ट साइड गई है। तो धर्म अधर्म हुआ, गो हत्या, तो बोल दिया। उसके बाद जो भी हुआ, उसके बाद उनका वो वाला कर्म हो गया काम, जो कसाई ने मार दिया गाय को, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम और उन्होंने तभी यंग एज में थे, और तब कुछ समय व्यतीत होने के बाद, मान लो 25 साल बीत गया, तो उसके बाद वो मधुकरी करके खाते हैं ना, जो सन्यासी ब्रह्मचारी होते हैं भिक्षा मांग के, तो एक घर में वो भिक्षा मांगने गए। तो उस समय एक तरुणी स्त्री 16 से 17 साल की उम्र की सुंदर स्त्री, तो वो घर में थी, तो वो आई बाहर और देखा ये ब्राह्मण देव तो बड़े सुंदर है। तो उन्होंने बोला, देखो मैं तुमको जो चाहिए वो दूंगी, भिक्षा दूंगी, लेकिन तुमको मेरे साथ सोना पड़ेगा, यू शुड हैव अ रिलेशनशिप विथ मी, फिजिकल रिलेशनशिप। तो ब्राह्मण देवता ने बोला, अरे मैं आजीवन ब्रह्मचारी हूँ, मैं ऐसा कार्य नहीं कर सकता। तो तुम्हारे पति अंदर है? तो नहीं, वो सो रहे हैं। तो सो रहे हैं तो क्या हुआ, अंदर तो है। तो बोलते कि ठीक है, तो गई अंदर, चाकू लिया और पति का गला काट दिया और बाहर आ गई, देखो ये रक्त, मैं पति को मार के आई हूँ, अब तो मेरे साथ रिलेशनशिप रखोगे? तो उसने बोला ब्राह्मण ने, नहीं मैं तब भी नहीं रख सकता। तो बोला, तो मैं गांव वालों को चिल्ला के बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और मेरे पति को भी मार दिया, ऐसा बोल दूंगी, बेटर जो मैं बोल रही हूँ उसे सुनो। तब ब्राह्मण ने सोचा, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, धर्म विरुद्ध कार्य, भले ही मेरा प्राण ही चला जाए, मैं नहीं कर सकता। पहले क्योंकि ब्राह्मण को मालूम था ये गांव की है, गांव की बहू है, सारे लोग तो इसी की बात मानेंगे, पति को भी मार दिया, ये मार दिया करके कोई नहीं मानेगा कि कौन स्त्री अपने पति को मार सकते, मुझे ही समझेंगे, भले ही मेरा प्राण भी चले जाए मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उसने हंगामा मचाया, गांव वाले इकट्ठे हुए, लेकिन ब्रह्म हत्या नहीं करते ना, ब्राह्मण की हत्या नहीं किया जाता जो भगवान के भक्त हैं। तो सारे गांव वालों ने पंचायत बिठाया और ये डिसीशन लिया कि राइट हैंड से ये पूजा करते हैं, जप करते हैं, लेफ्ट हैंड काट देते हैं, ये उनका पनिशमेंट होगा। तो लेफ्ट हैंड काट दिया, वो तो फिर ठीक हो जाता है जख्म। तो ब्राह्मण को इससे बहुत ज़्यादा
वो हुआ, मतलब परेशान हुए कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने कभी जीवन में ना कोई पाप किया, ना कभी असत्य कहा, ना कुछ किया, तो अपने गुरु के पास गए। यस, तो गुरु ने, गुरु दिव्य दृष्टि वाले हैं, त्रिकालज्ञ है, तो उन्होंने बताया ऐसा क्यों सोचते हो कि तुमने कोई पाप नहीं किया। तुम्हें याद है तुमने एक कसाई जब गाय के पीछे पड़ा हुआ था और तुमने गाय कहाँ गई सत्य बोला, वो सत्य नहीं था, सत्य से भी भयंकर था, क्योंकि तुमने गो हत्या में मदद किया, तो लेफ्ट हैंड से तो तुमने रास्ता दिखाया था, इसलिए तुम्हारा लेफ्ट हैंड काट कट गया। और जो कसाई है उसको भी अपने कर्म का फल मिला, वो गाय ये स्त्री है, वो कसाई उसके पति है, तब वो स्त्री ने अब उसके पति का वध कर दिया। तो इस तरह से कार्मिक रिएक्शन हमेशा एक्शंस करते रहते हैं, तो इसलिए हमें क्या धर्म है क्या अधर्म है, कृष्ण ने क्यों ऐसा किया, कर्ण के साथ अर्जुन के साथ युद्ध हुआ, क्योंकि अधर्म अगर नहीं हारेंगे तो धर्म तो कभी विजयी नहीं होंगे, क्योंकि अधर्म लोग तो हमेशा गलत कार्य करते हैं, वो लोग कभी धर्म नहीं पालन करते, कोई नियम नहीं पालन करते हैं, तो इसलिए अर्जुन को कृष्णा भी समझाते हैं कि तुम एक माध्यम हो, मैं चाहता हूँ युद्ध, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे बहुत साधुओं को, बहुत द्रौपदी जैसे साध्वी के साथ इतना बड़ा उन्होंने अपमान किया, तो साधारण स्त्री के साथ ये लोग क्या नहीं कर सकते, जब एक ऐसे महारानी के साथ वो लोग कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो इसलिए क्षत्रियों का तो ये नियम के विरुद्ध है कि कोई निहत्थे को ना मारे, लेकिन अर्जुन का ये हृदय में ऐसा उत्पन्न हुआ, मुझे भले ही मार दे फिर भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। भक्त ऐसे ही होते हैं, भक्त का ये स्वभाव ही होता है कि भले ही मेरा सब कुछ लुट जाए मैं ऐसा कार्य नहीं करूँगा अधर्म, क्योंकि अर्जुन भी क्या सोच रहा है कि ये अधर्म है, ये जघन्य कर्म है युद्ध करना, ऐसा सोच रहे हैं, राइट। जैसे अगर हमारे भारत के सारे सेना सोच ले कि नहीं किसी को गोली मारना जघन्य कर्म है, तो हमारा भारत तो सुरक्षित रहेगा ही नहीं, क्योंकि चारों तरफ से तो शत्रु ऑलरेडी है ही, मतलब कब्जा करना चाहेंगे, आना चाहेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है कभी भी नहीं होगा फिर। इसलिए श्लोक नंबर 46, संजय वाच एवामुक्त्वार्जुनः संखे रथोपस्था उपाविशत् विसृज्या सा शरम चापम् विसृज्या सा शरम चापम् शोकसंविग्रमानसः। संजय ने कहा, ये संजय की बात आई, क्योंकि संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि युद्ध क्षेत्र में क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र तो खुश हो रहे हैं सुन सुन के कि अच्छा अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया, बहुत बढ़िया हुआ, अपने आप ही हार जाएंगे, हमें राज्य मिल जाएगा। कहा कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। वो दुखी हो गए, अब युद्ध नहीं करना तो धनुष बाण लेके क्या करेंगे, रख दिया और दुखी होकर जो है रथ पर बैठ गए। तो अभी अर्जुन ने क्या डिसीशन लिया, मैं युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन युद्ध नहीं करूँगा करके वो दुखी होकर बैठ गए। अगर आपने कुछ डिसीशन लिया है तो आपको हैप्पी होना चाहिए, लेकिन उनको अभी अंदर से ऐसा लग भी रहा है कि पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, ये बात हम सेकंड चैप्टर में देखेंगे, ये अंतिम श्लोक है। तो अपने शत्रु की स्थिति जब अवलोकन करना था, देखना था, अर्जुन ने तो कृष्ण को बोला था कि दोनों योद्धाओं के बीच में, दोनों के जगह के बीच में से आप मेरा रथ ले जाओ ताकि मैं देखूँ शत्रु दल में कौन कौन मेरे विरुद्ध लड़ने आए, तब तो खड़े हो गए थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और ऐसे लोगों को, तो बहुत दुखी हो गए कि इनको मारना पड़ेगा मुझे, इनके विरुद्ध युद्ध करके मुझे क्या मिलेगा, मतलब इनको मारकर मुझे अगर राज्य भी मिल जाए तो उस राज्य में मुझे सुख कैसे मिलेगा।
तो अर्जुन अभी अपने सुख और दुख के बारे में सोच रहे हैं, तो अभी कृष्णा उनको एक दूसरा विजन दिखाएंगे कि ये अब आपका सुख और आपके दुख की बात ही नहीं है, तो ये जन कल्याण की बात है। तो लेकिन अर्जुन की ये सब इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि अर्जुन कितने कोमल हृदय के हैं, कितने दयालु हैं, जो भगवान की सेवा में हमेशा रत रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही भगवद गीता के ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। तो इसलिए अर्जुन को ही माध्यम बनाया भगवान ने कि हम भगवत का ज्ञान प्राप्त करें। आपको मालूम है कि अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या की थी, है ना, जब हाँ युद्ध खत्म होने के बाद सोते हुए बच्चों के मुंडी काट के ले आए, राइट। आप सोचो इतने छोटे हैं वो लोग, अभी टीन एज में हैं और काट के ले आए। इन द्रौपदी के पांच पांडव से पांच ही पुत्र हुए थे, है ना, और पांचों पुत्र मारे गए। फिर जब अर्जुन जाके अश्वत्थामा को बंदी बनाकर लाते हैं, तो द्रौपदी पता है क्या बोलते हैं कि द्रौपदी भी भक्तिन है ना कृष्ण के, बहुत कोमल हृदय है। वो बोलती है जाने दीजिए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जैसे दुखी हुई हूँ मेरे पुत्र के, उसमें विलाप की हूँ, मेरे को कितना दुख मिला है मेरे पुत्र को खोकर, माता द्रोणाचार्य की जो मतलब कृपी उनकी वाइफ है, कृपाचार्य की बहन है, तो माता कृपी को ऐसा दुख मिले जो दुख मुझे मिला। ऐसे होते भक्त, वो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। उनको पता चल गया कि एक माँ को कितना कष्ट होता है जब वो संतान को खो देती है, तो उस दुख से वो ये नहीं कि अच्छा मेरे को दुख मिला तो तुम्हारे माँ को भी दुख मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं किया। क्या बोला, छोड़ दीजिए कृष्णा इनको, छोड़ दीजिए, माफ़ कर दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे को इतना दुख मिला तो कृपी के बारे में सोच रहे कि द्रोणाचार्य, क्योंकि द्रोणाचार्य उनके पति के गुरु है। आज जो इतना बड़ा धनुर्धर है अर्जुन, तो द्रौपदी इस बात को जानती है, तो इतना कोमल हृदय कोई हो सकता है। इतना कष्ट दिया द्रौपदी को और द्रौपदी ने जस्ट ऐसे ही माफ़ कर दिया, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये भक्तों के अंदर ही हो सकता है, कोई नॉर्मल पर्सन ऐसा नहीं सोच सकता है। तो इससे हमें अर्जुन की ऐसी स्थिति से हमें ये पता चलता है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा।